जितने भी पार्टी हैं उस सबके अपने प्रेसिडेंटियल कैंडिडेट आते हैं और आके अपने एजेंडा को अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करते हैं। फिर क्वेश्चंस भी राउंड होता है जिसमें कि स्टूडेंट्स क्वेश्चंस पूछते हैं और उसको जवाब देना होता है और ये मैंडेटरी है। हॉस्टल्स, MCM, रिलीजियस माइनॉरिटी स्टूडेंट डिप्रिवेशन पॉइंट एंड नो रिस्ट्रिक्शन ऑफ फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड रिस्टोरिंग द JNSU कॉन्स्टिट्यूशन। OBC रिजर्वेशन मिलना चाहिए लास्ट क्वालिफाइंग एग्जाम में। सेकेंडली, ड्रॉप आउट रेट को कॉन्क्रीट पॉलिसीज के साथ हैंडल किया जाए, वाइवा वेटेज का रिडक्शन किया जाए, ट्रांसलेशन सेल इफेक्टिव तरीके से लागू किया जाए और माइनॉरिटी डिप्रिवेशन पॉइंट स्टूडेंट्स को दिया जाए। हॉस्टल फॉर ऑल, वाईफाई प्लेसमेंट, इफेक्टिव प्लेसमेंट सेल, हेल्थ सेंटर का आधुनिकीकरण और ट्रांसपोर्टेशन सुविधा बढ़ाना। द इंक्रीजिंग ऑफ MCM स्कॉलरशिप्स, ऑल्टरनेटिव अकोमोडेशन फॉर ऑल स्टूडेंट्स हु रेजिडेंट इन हॉस्टल्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू हॉस्टल्स एंड द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द रिजर्वेशन, जेंडर सेंसिटाइजेशन एंड रिजेक्टिंग लिंदो कमेटी रिकमेंडेशन एंड रिस्टोरिंग JNSU कॉन्स्टिट्यूशन। हम कमंडल फासे सरकार को यहाँ से चैलेंज करना चाहते हैं, साथ ही साथ इस कैंपस में जो लेफ्ट सेग्रीगेशन फोर्स है उसको हम डिफीट करना चाहते हैं और हमारा सबसे बड़ा डिमांड है कि यह चुनाव LCR के तहत हो रहा है। हम LCR को डिफाई करके यहाँ अपने कॉन्स्टिट्यूशन से चुनाव करवाना चाहते हैं। 30 मार्क्स है उसको 10% होना चाहिए जो है वाइवा मार्क्स जो है, और यहाँ डिप्राइवेशन कम्युनिटी के लिए 5 मार्क्स उनके लिए होना चाहिए जो है, और यहाँ ड्रॉप आउट का जो इशू है उसको सॉल्व होना चाहिए। GS केस पेंडिंग में पड़ रहा है उसमें हमारी SST कम्युनिटी के लोगों को रिजर्वेशन होना चाहिए और जो फैकल्टी जो रिजर्वेशन है वो फुलफिल होना चाहिए। कटिंग आउट द लेफ्ट रेटोरिक ऑन कैंपस एंड काउंटरिंग द राइजिंग राइट विंग फोर्सेज ऑन कैंपस आफ्टर मोदी कमिंग इन टू पावर। Thirdly, we're fighting on basic infrastructure facilities like roads, potholes, and basic water and sanitation facilities. And the last point that we're fighting on is that gender equality on campus.